मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जा रहा है कि दो एलियंस के दरमियान फाइट हुई थी, जिनमें से एक का नाम बेलो और दूसरे एलियन का नाम जर्नो था। जर्नो इस फाइट के लिए एक वेपन वेव ईटर बनाता है। वो ऐसा वेपन था जिसमें से बहुत स्ट्रॉन्ग बॉल निकलती थी, ऐसी बॉल जो एक प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी थी। लेकिन यहाँ एक दिन जर्नो की शिप मून से टकरा गई, जिसकी वजह से मून टूट गया और जर्नो और उसकी शिप अर्थ पर आ गए। इस शिप की वजह से जमीन पर बहुत सी न्यू डिसीज ने अटैक कर दिया और साथ साथ अर्थ का एटमोसफेयर भी चेंज हो गया। इसी के साथ बेलो ने जर्नो को अर्थ पर ही कैद कर लिया, लेकिन जर्नो के वेपन्स में ऐसी पावर थी जिन्हें वो अर्थ से भी कंट्रोल कर सकता था। लेकिन अर्थ के लोगों को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो लोग इन बॉल्स को डीएक्टिव करने को एक गेम समझते थे जिसका नाम कॉस्मो था। अब काफी साल गुजर जाते हैं और अर्थ पर भी ऐसे इंसान पैदा होते हैं जिनके अंदर टेलीपोर्टेशन की पावर थी, और अब इंसान और एलियन ये गेम खेलते थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जर्नो की पावर कम होती जा रही थी। मूवी में अब 2071 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मूवी के हीरो एंटन पर एक लैंप गिरता है, पर वो उससे बच जाता है और हमें पता चलता है कि वो जर्नो की बेटी आनिया ने उस पर गिराया था। इधर आनिया टेलीपोर्ट होकर अंडरग्राउंड जर्नो की शिप में आ जाती है, जहाँ जर्नो उसे बताता है कि एंटोन की बॉडी में ऐसी पावर्स हैं जो किसी शौक के एक्साइटमेंट में शो होंगी, और जर्नो को अपनी न्यू इन्वेंशन के लिए उन पावर्स की जरूरत थी, जिसके लिए वो कहता है कि तुम एंटोन को मार दो। इन्हीं सब में हमें पता चलता है कि जर्नो अभी भी एनर्जी बॉल रिलीज कर रहा है, जिससे इंसान और एलियंस दोनों ही लड़ रहे थे। सभी लोग इसे गेम समझकर बहुत पसंद करते थे। यहाँ हम एंटोन को देखते हैं जो जॉब के लिए किसी लेडी से मिलने जाता है, लेकिन वो लेडी उस गेम को देखने में बहुत बिजी थी और वो एंटोन को रिफ्यूज कर देती है। यहाँ बेलो को पता चलता है कि जर्नो किसी और इन्वेंशन की तैयारी में है, जिसे वो लोग डिस्ट्रॉय करने के लिए उसकी शिप में जाते हैं, पर जर्नो उस इन्वेंशन को बचा लेता है। तीन सब गेम की तरफ शिफ्ट होते हैं, जहाँ टीम अर्थ के लोग अब फाइनल में थे। इधर एंटोन जॉब ना मिलने पर बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि उसकी मदर की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और उसके पास मेडिसिन के लिए पैसे नहीं थे, और इसीलिए वो एक मेडिकल शॉप पर चोरी के लिए जाता है, जहाँ उसकी हेल्प एक लड़की करती है। पर वहाँ पुलिस आ जाती है और पुलिस के आने पर वो भाग ही रहा होता है कि अचानक उसके सामने एक कार आकर उसे हिट कर देती है। इधर एंटोन डिसअपीयर होकर कहीं और चला जाता है, यानी उसकी टेलीपोर्टेशन की पावर अब एक्टिव हो गई थी। यहाँ बेलो, जो मून को रिपेयर करने में बिजी था, उसे पता चलता है कि किसी ऐसे इंसान ने टेलीपोर्ट किया है जिसका उसे नहीं पता। इधर टेलीपोर्ट होकर दूसरी जगह आने पर भी उसे वही मेडिकल स्टोर वाली लड़की मिलती है, जो उसे एक टनल में ले जाती है, जो एंटोन के सर से कुछ बाल उतार देती है ताकि वो अपने फादर को दे सके। यहाँ जर्नो एंटोन का डीएनए लेकर अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करता है, लेकिन ये वर्क नहीं करता। जर्नो आनिया से कहता है कि वो अब एंटोन को मार दे। और दूसरी तरफ हम एंटोन के घर का सीन देखते हैं, जहाँ एंटोन घर पहुँचता है तो वहाँ पर बहुत से लोग उसका इंतजार कर रहे थे। वो लोग चाहते थे कि एंटोन उनकी टीम को ज्वाइन कर ले, पर पहले तो एंटोन नहीं मानता, लेकिन फिर जब वो कहते हैं कि वो उसकी माँ का इलाज कर देंगे, तब एंटोन मान जाता है। इसके बाद वो लोग उसे अपनी शिप में ले आते हैं। यहाँ एंटोन के लिए एक रोबोट तैयार किया जाता है, जो सभी प्लेयर के लिए जरूरी होता है, और साथ ही साथ बेलो एंटोन की ट्रेनिंग भी कर रहा था ताकि उसे अपनी पावर्स पर कंट्रोल आ जाए। यहाँ एंटोन को जब स्टार्ट में थोड़ी मुश्किल होती है, तो उनकी टीम की एक गर्ल नताशा उसकी हेल्प करती है। यहाँ पर बेलो एंटोन से बहुत खुश था, क्योंकि उसने बहुत जल्दी ही अपनी पावर्स पर कंट्रोल सीख लिया था। यहाँ बेलो और नताशा एंटोन की मॉम का ख्याल रखने लगे, और साथ ही नताशा एंटोन को भी पसंद करने लगी थी, और इसीलिए वो उसकी मॉम के साथ भी ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करती थी। नताशा और एंटोन की मदर बातें कर रहे होते हैं, तो वो बताती हैं कि जब एंटोन पैदा हुआ था तो मून टूटा था और कोई बहुत शार्प चीज उनकी बॉडी से आकर टच हुई थी, और शायद यही उसकी टेलीपोर्टेशन की वजह थी। इधर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आनिया एंटोन को अपनी मीटिंग प्लेस पर बुलाती है। यहाँ आनिया उसे अपनी बातों में गाकर एक पॉइजनस फ्लावर देती है और कहती है कि जब तुम इस शिप में जाकर इसे स्क्वीज करोगे तो वो शिप पॉइजनस हो जाएगी। पहले पहले तो एंटोन उसकी बात नहीं मानता, लेकिन फिर आनिया की नाराजगी को देखकर वो ये बात मान लेता है, क्योंकि एंटोन आनिया को पसंद करता था और साथ ही उसे कॉस्मो बॉल में कोई इंटरेस्ट नहीं था।
अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गेम के लिए रेडी हो रहे थे और यहाँ पर ट्विस्ट ये होता है कि एंटोन टाइम पर वो गेम खेलने से इनकार कर देता है, जिसे सुनकर सारे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। बेलो एंटोन को वहाँ से ले जाता है और इन बॉल्स की और इस गेम की सच्चाई बता देता है। साथ ही वो ये भी बताता है कि आज तक ह्यूमन इवन के प्लेयर्स तक को ये बात नहीं पता, वो सभी लोग इसको एक गेम समझते हैं। बेलो एंटोन को ये भी बताता है कि उसने उसे कैद तो कर लिया था, पर वो उसे ऐसे इन्वेंशन करने से रोक नहीं सकता, क्योंकि अगर उसने उसकी लैब को डिस्ट्रॉय कर दिया तो अर्थ भी बिल्कुल चांद की तरह टूट जाएगी। एंटोन ये सब बातें सुनने के बाद गलती का एहसास कर लेता है और उसे ठीक करने की भी ठानता है। तभी एंटोन उस जगह पर जाता है जहाँ पर उसने वो पॉइजन गिराया था, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी, वो पॉइजन काफी ज्यादा फैल चुका था। यहाँ बेलो जल्दी से सब कुछ उस शिप से बाहर निकाल लेता है और शिप का इमरजेंसी सिस्टम ऑन हो जाता है। एंटोन उस कॉस्मोबॉल से लड़ने लगता है और आनिया के बुलाने पर अपना रोबोट साइड पर रखकर आनिया से मिलने चला जाता है, जहाँ आनिया उसे पैरालाइजिंग गैस सुंघाकर पैरालाइज कर देती है और ये रिवील करती है कि वो उसे बहुत सालों पहले से जानती और बहुत पहले से उसका पीछा कर रही थी ताकि उसकी पावर्स एक्टिवेट हो सकें। यहाँ आनिया उसे ये भी कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, और इसके बाद आनिया एंटोन को निडल छुपाकर उसकी स्किन से उसका डीएनए ले जाती है, जिसकी जरूरत उसके फादर को थी। इधर जर्नो एंटोन के डीएनए को अपने एक्सपेरिमेंट में एंटर करता है, जिससे एक क्रिएचर प्रोड्यूस होती है। जर्नो उस क्रिएचर को अपने माइंड से कनेक्ट कर लेता है। यहाँ पर सीन्स दोबारा एंटोन की तरफ शिफ्ट होते हैं, जहाँ वो अभी तक उसी जगह पर पैरालाइज था जहाँ उसका रोबोट बेलो के साथ आता है। यहाँ पर एक वीडियो स्ट्रीम के जरिए जर्नो बेलो को धमकी देता है कि वो पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देगा, और इसी के साथ हमें ये भी पता चलता है कि जर्नो को भी क्रिएट करने वाला बेलो ही था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जर्नो के बनाए हुए क्रिएचर पूरी सिटी में तबाही मचा रहा था और सारे प्लेयर्स उसे देख रहे थे कि अचानक वो क्रिएचर आसमान में चली जाती है। यहाँ बेलो पूरी दुनिया के सामने अपनी गलती रिवील करता है कि कॉस्मोबॉल कोई गेम नहीं बल्कि एक जंग है, अर्थ को बचाने की जंग, और इसी के साथ वो अपनी शिप स्पेस में ले जाता है। यहाँ नताशा को अभी तक बेलो की बात पर यकीन नहीं था और वो उससे दोबारा पूछती है कि क्या आपने ही जर्नो को क्रिएट किया था, और तब वो उसे सब बता देता है कि उसने जर्नो को अपनी हेल्प के लिए क्रिएट किया था, लेकिन गलती उसने यहाँ कर दी कि उसके अंदर इमोशंस डाल दिए और वो इमोशंस नेगेटिव पावर में चेंज हो गए, जिसकी वजह से जर्नो एक डेविल बन गया। इधर दूसरी तरफ हम दोबारा उसी क्रिएचर को देखते हैं जिसके अंदर से जर्नो अपनी एनर्जी बॉल्स रिलीज कर रहा था। सभी प्लेयर्स उन बॉल्स को डीएक्टिव करने की कोशिश कर रहे थे, पर स्टेडियम ना होने की वजह से शहर में भी काफी तबाही हो रही थी। इधर सभी शिप्स उस क्रिएचर को कंट्रोल करने में लगी थी, जिसे वो क्रिएचर डिसेबल कर देता है। यहाँ पर एंटोन अपने रोबोट से माफी मांग लेता है और प्रोटेक्शन सूट के बगैर ही वो लोगों को बचाने लगता है। इधर एनर्जी बॉल को डीएक्टिव करते हुए एंटोन को एक एनर्जी बॉल हिट कर देती है, लेकिन इससे पहले कुछ हो वहाँ पर उसका रोबोट आ जाता है और उसे उसका सूट दे देता है। एंटोन उस सूट और अपनी पावर और हिम्मत से बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था और उन एनर्जी बॉल्स को डीएक्टिव कर रहा था। यही सीन शिफ्ट होता है और दोबारा बेलो की तरफ जाता है, जिसे हम अब एलियन के रूप में देखते हैं, और वो नताशा के साथ टेलीपोर्ट होकर जर्नो की शिप पर आता है। यहाँ उन लोगों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। बेलो जर्नो को मारने लगता है और नताशा आनिया को हैंडल करती है। यहाँ बेलो अपनी फ्रीजिंग पावर्स का यूज करते हुए मशीन को फ्रीज कर रहा था, जिसके लिए जर्नो उसे रोक भी रहा था, पर वो जर्नो को भी अपनी फ्रीजिंग बॉल से फ्रीज कर देता है। दूसरी तरफ हम आनिया को देखते हैं, फ्रीजिंग पावर से नताशा का रूप ले लेती है और बेलो को डिस्ट्रैक्ट करके उसे फ्रीजिंग गैस सुंघाकर पैरालाइज कर देती है। ऐसे आनिया अपने फादर को बचा लेती है, पर इससे पहले कि जर्नो बेलो को मारता वहाँ पर एंटोन आ जाता है। इधर एंटोन आते साथ ही आनिया को पकड़ लेता है, लेकिन जर्नो एंटोन को पकड़ने के लिए अपनी बेटी को मार देता है और एंटोन को दीवार के साथ लटका देता है, जिसकी वजह से वो टेलीपोर्ट भी नहीं हो पाता। इधर बेलो जो एंटोन की मदद करने वाला था उसे भी जर्नो मार देता है, और तभी मरते हुए आनिया उसे बताती है कि ये जो क्रिएचर है वो तुम्हारे डीएनए से ही बनी है
जिसे तुम इजीली कंट्रोल कर सकते हो, और ये कहकर वो मर जाती है। यहाँ एंटोन जल्दी से यही करता है और अपनी सारी पावर्स को इकट्ठा करके उस क्रिएचर से कनेक्ट करता है, और उस क्रिएचर को भी पता चल जाता है कि उसका रियल मास्टर एंटोन है। और एंटोन के मना करने पर वो कोई भी डिस्ट्रेक्शन नहीं करता, बल्कि वो नताशा को बचाता है और जर्नो और उसकी वेविटर मशीन को सूरज की तरफ फेंक देता है, जिससे वो दोनों डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इधर अर्थ में भी की रिलीज की हुई सारी एनर्जी बॉल्स रुक जाती हैं, और अब बेलोशिप की न्यू कैप्टन नताशा सबको बताती है कि वो उन बॉल्स की पावर से इस दुनिया पर दोबारा सही लाइफ ला सकते हैं। और साथ ही हम एंटोन को देखते हैं जो कुछ पावर्स और उस क्रिएचर की हेल्प से मून को जोड़ देता है, और मूवी के एंड में हम देखते हैं कि वो और नताशा एक हैप्पी लाइफ गुजार रहे होते हैं, और ये मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है।